आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 9 जनवरी की शुक्रवार की। और अगर आप एक क्वेश्चन अपने आप से पूछे, जो हम शब्द हमेशा यूज करते हैं, मैं, ये शब्द के कारण हम कितने अकेले पड़ जाते हैं और इस शब्द के कारण हम कितनों को दूर कर देते हैं। और अगर ये मैपन अगर हमने निकाला नहीं, जिसको हम अभिमान भी कहते हैं, तो हमारी लाइफ में जो हमारे जो छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम अकेले बैठ जाते हैं, उसमें अकेले पड़ जाते हैं। तो इसलिए आज परमात्मा पिता हमें एक ऐसा शब्द जो मैं शब्द है, उसे हमें निकालने की युक्ति दे रहे हैं, तरीका दे रहे हैं कि अगर मैं शब्द निकाले तो फिर उसकी जगह यूज क्या करें, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो आज हम पता करते हैं परमात्मा हमें कहते क्या है इस वरदान में मैं शब्द के लिए। परमात्मा कहते हैं, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा, बाबा मतलब पिता परमात्मा, मैंपन को समाप्त करने वाला सफलता मूरत भव। हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा के। इसको हम विचार इसका विचार सागर मंथन करते हैं, थोड़ा और गहराई में लेके जाते हैं इसको। बाबा क्या कहते हैं उसके हिसाब से। परमात्मा पिता कहते हैं, आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना कि मैंने बताया इसलिए आगे बढ़े, मैंने कहा इसलिए आगे बढ़े, मैंने ये सेवा करी इसलिए हुआ, मैंने जो समझाया उसके लिए वो आगे बढ़े या उनको समझ आया, मैं नहीं होता तो कैसे होता। परमात्मा कहते हैं, ये मैंपन से सेवा आगे कभी बढ़ेगी नहीं, मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। अगर हम देखें, हम कहते हैं दुनिया में कि परमात्मा ने हमारी रचना करी है, गॉड इज आ क्रिएटर, भगवान ने हमारी रचना करी है। अगर भगवान ने हमारी रचना करी, तो हमारे अंदर जो कलाएं भरी हैं, बोलने की कला, सुनने की कला, करने की कला, उठने की कला, बैठने की कला, खाने की कला, एंटरटेनमेंट की कला, सिखाने की कला, जो भी कलाएं हमारे अंदर है, गीत गाने की कला भी है, कला डांस करने की कला भी है, ये सारी कलाएं किसने दी है? एग्जैक्टली आपके पास आंसर है ना। तो फिर मैंने कैसे कर दिया, मैंने कैसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैंने कैसे अच्छा सुनाया, मैंने कैसे अच्छा बोला, ये हमारे अंदर अभिमान कहां से आ गया? जब उन्होंने हमें रचा है और उनकी रचना हम है, और हमने उनकी दीवी क्वालिटीज और उनकी कलाओं को इस्तेमाल किया है इस धरती पर कर्म करने के लिए, इस धरती को खुशहाल बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, तो मैं कहां से आ गया? मेरा आइडिया, मेरी सोच, मैंने बोला था ना, देखा ऐसे होता, देखा, ये अभिमान कहां से आ गया? जिस कारण से हमारा कनेक्शन परमात्मा से टूट जाता है, अभिमान ही हमारे पतन की जड़ है। फिर परमात्मा कहते हैं, क्या कहना है फिर इसकी जगह, मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। इंस्ट्रूमेंट, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, बाबा ने जो मुझे क्वालिटीज दी हैं, गुण दिए हैं, वो मेरे इंस्ट्रूमेंट बनकर के परमात्मा मुझे यूज कर रहे हैं। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, ये नहीं, मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया नहीं, बाबा ने करवाया, मैंने कहा नहीं, बाबा ने कहलवाया, ये नहीं। तो क्या नहीं, मैंने किया, मैंने कहा, ये नहीं होना चाहिए, मेरा बाबा, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मूरत बन जाएंगे। लेकिन जहां मैंने किया, मैंने किया, तो और लोग बोलेंगे, अच्छा आपने किया, तो फिर आप अकेले करो, तो आपको सहयोग भी नहीं मिलेगा, लोग आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे। और यही कारण है लोग हमें पसंद नहीं करते, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। रिस्पेक्ट अगर चाहिए हमें लाइफ में, तो हर चीज परमात्मा के ऊपर डाल दें। फिर परमात्मा कहते हैं, जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा, उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे, मैंने किया है, मेरी आदत थी, मेरे वजह से हुआ, मेरी सोच थी, मेरे को आइडिया है, तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, एक दिन आपसे खुश हो जाएंगे, अगले दिन अगर आपने उनको सही सुझाव नहीं दिया, या आपने उनको सही गाइडेंस नहीं दी, सही नहीं कहा, तो उस दिन आपसे वो जितनी आपकी उन्होंने स्तुति करी थी, उससे 10 गुना या 16 गुना एक्चुअली आपकी निंदा भी करेंगे। इसलिए मैपन हटा दीजिए, बाबा ने करा, बाबा की इच्छा, बाबा करवाता है। फिर आगे समझते हैं, सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। और ये मेरे को सुनने के लिए बहुत मिलता है, ये हर चीज बाबा बाबा कहता रहता है, एंड होना भी चाहिए ना। किसने दिमाग दिया है, किसने बुद्धि दी है, किसने गुण दिए हैं, मेरे हैं क्या? नहीं। अच्छा, मैंने अगर अपनी बुद्धि लगा करके कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो निकालेगा कौन? अगर मैंने अपनी बुद्धि लगा ली और परमात्मा से नहीं पूछा, परमात्मा के अनुसार मैंने कर्म नहीं किए, तो मैं कुछ निकालेगा कौन उस प्रॉब्लम से? एग्जैक्टली, क्रिएट मैंने किया,
निकालेगा पिता, तो उसके लिए मुझे बाबा बाबा करना बहुत जरूरी है। कई लोग ये भी कहते हैं कि हर चीज में बाबा कहते हो। अच्छा कैसे कमाई होगी? बाबा जानता है, बाबा गाइड करेगा। अरे खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली खुद भी करना पड़ेगा, लेकिन बड़ों से पूछते हैं ना। इस केस में बड़ा कौन है? परमात्मा पिता। तो उसको पूछना कब है? उनको पूछना है अमृत वेला सपोर्ट करके कि परमात्मा ये सिचुएशन है या मेरे फ्यूचर में ये प्लान है, इसमें मैं क्या कर्म करूं ताकि सबका भला हो। नहीं तो फिर से क्या होगा? खुद की बुद्धि लगाई, जबरदस्ती करी, फोर्सफुली किया, कनेक्शंस लगाए, पैसे लगाए, धन दौलत लगा दी, पुशपुल करा और फिर काम बिगड़ गया। तो इसलिए बाबा 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 कि परमात्मा आप मुझे गाइड करिए, आप सही इंसान से मिलाइए, सही टाइम पे मिलाइए, सही जगह पे मिलाइए, सही सोच रखने के लिए मिलाइए बस, और बाकी सब अमृत वेला में करना है ताकि आप सही इंसान को सही समय पर अट्रैक्ट कर पाए, ताकि आपकी जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है या जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप कर पाए। और वो करवा रहा कौन है? तो इसके बारे में और समझने के लिए कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबिलिटी है ये सारी चीजों की, परमात्मा हमें हेल्प कैसे करे, आप आइए ब्रह्म कुमारी सेंटर में आकर के इस ज्ञान को लें जो कि है 7 घंटे का ज्ञान। वैसे स्टार्टिंग 7 घंटे की है, मतलब कि 1 घंटा हर एक दिन, उसके बाद में आपको लत लग जाएगी इस ज्ञान को और गहरे से समझने की, ये गारंटी है मेरी। इसके साथ ओम शांति।